हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे वुमेन एंड मैन इन इंडिया, जो औरतें महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 2023 है वो डाटा क्या कह रहा है। भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि इन इंडिया वुमेन एंड मैन के बारे में क्या कहा गया है। तो आइए समझते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि नियर फ्यूचर को लेकर के इंडिया के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है, किस संदर्भ में किया गया उसको हम समझते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द न्यूज़। न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिक पॉपुलेशन जो इंडेक्स है उसके द्वारा पब्लिश किया गया है एक डाटा 25th एडिशन में कि वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 के रिपोर्ट में क्या है। इट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ जेंडर डायनेमिक इन इंडिया, जो कि हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक बहुत डेप्थ डाटा प्रोवाइड करवाता है जेंडर के बारे में इन इंडिया की। ठीक है, फोकसिंग ऑन, जिसने फोकस किया है पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें इंडिया सेक्स रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी राइज टू 952 वुमेन पर 1000 मैन बाय 2036। मतलब इंडिया का जो सेक्स रेशियो है जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इन नियर फ्यूचर, वो 952 किया जा रहा है पर 1000 पुरुषों में, जो कि 2036 तक ये हो जाएगा, अप फ्रॉम 943 इन 2011 के हिसाब से जो निकाला गया है, जो कि रेज हो जाएगा 952 एज पर द डाटा। ठीक है ना, MOSIP। ठीक है, जो कि 2036 तक ये टारगेट रखा गया है। आगे समझते हैं हम और रिपोर्ट में क्या है कि जो पॉपुलेशन है, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोडक्टेड टू रीच 152.2 करोड़ बाय 2036। अब देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि नियर फ्यूचर आने वाले समय में, मतलब लगभग अभी 2024 चल रहा है, लगभग 12 साल बाद जो इंडिया की जो पॉपुलेशन होने वाली है वो 152.2 होने वाली है। मतलब घटने का कोई चांस नहीं है, मतलब लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट जो किया गया है वो लगभग 142-143 रख किया गया है। ठीक है, आगे सेक्स रेशियो बाय 2036 के द्वारा क्या रेशियो रखा गया है कि दो जेंडर रेशियो है वो 952 वुमेन पर 1000 मैन पे रखा गया है, जो कि मैंने बता दिया, जो कि अब बढ़ेगा 943 से। ठीक है, जिसमें फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो 48.8% अप फ्रॉम, जो कि बढ़ेगा 48.5% इन 2011, जो कि 2011 के हिसाब से किया गया था। ट्रेंड यदि देखें तो इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फीमेल्स। अब जो ट्रेंड जो हो रहा है या फिर ट्रेंड चल रहा है या फिर आने वाले समय में कहा गया है कि जो वुमेन है, मतलब कि सॉरी फीमेल्स कह सकते हैं, वुमेन कह सकते हैं, फीमेल्स वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बढ़ने वाली है। और रिपोर्ट क्या कहती है, एडोलेसेंट जो फर्टिलिटी है वो हायर फॉर लिटरेसी, इलिटरेट रेट जो कि हायर फॉर इलिटरेट है वो 33.9 है देन इलिटरेट 11 इन 2020। ठीक है ना, आगे मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या कह रहा है, रिड्यूस टू 97 पर लिव बर्थ 2018-20 के हिसाब से ये था, नियरिंग SDG टारगेटेड ऑफ 70 बाय 2020-30। उसमें 70% लगभग कहा गया है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को। ठीक है, और जो लास्ट आता है वो हमारा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। जो लेबर फोर्स है उसमें पार्टिसिपेशन रेशियो है वो मेल का है, जो कि बढ़कर के 78.5% हो गया है 22-23 में, और जो फीमेल का है वो 37% हो गया है। ठीक है ना, आगे इलेक्शन पार्टिसिपेशन यदि हम बात करें तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है इस बार, जो कि 65.6% इन 2014 में टारगेट किया गया था, जो कि बढ़ करके 67.2% हो गया है इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात ही बात करें तो 47.6% ऑफ 117,254 स्टार्टअप्स मिले हैं लीड बाय वुमेन्स के द्वारा। तो ऑप्सो ये जो आपको डाटा मिला होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार के यदि आपको न्यूज़ चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स हैं, अफेयर्स करंट अफेयर्स से हैं और
इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप जितना ज़्यादा मुझे कमेंट करेंगे बताएंगे, एनकरेजमेंट होकर के और ज़्यादा मोर्स वीडियो आपके पास आने वाले हैं। थैंक यू।